Please put your hands together to welcome Shri Bandaru Desikte to deliver his presidential address. और
पूरा जो भी संस्था है 900 संस्थाएं उन्होंने शुरुआत की है नैनो लीडरशिप ट्रेनिंग दिलाने की और विद्यार्थी जो है 34 साल विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और 1 लाख से ऊपर उनका स्टाफ है। इतनी बड़ी संस्था देश में चलाकर संस्कार देने वाली एकमात्र जो विद्यालय है आज ये ही पब्लिक स्कूल है। उन्होंने बड़ा विचार था, उन्होंने जो विचारधारा से इस संस्था में शुरू किया है और वही विचारधारा से आज उन्होंने अपने को अच्छे बात कहा है, काफी अच्छे बात कहा है। एक बात कहा तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी जब इस प्रांगण में पहुंचा था मुझे उन्होंने कहा गया बुखार दिया था, आपको बुखार के बारे में पता है, वो एक कार मुझे दिया था, बुखार में ठीक है, हंसते रहिए खुशी में रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही उनका जो है संदेश।
मेरे कुशलता से, मेरे ज्ञान से और मेरे विश्वास से मैं जो है केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं रहूंगी, नौकरी ढूंढने वाला नहीं रहूंगा, मैं नौकरी देने वाला रहूंगा। Impossible, there is a dictionary number.
बाहर निकल गया, 25,000 रुपए भरा है, इसलिए आपके सामने आज राजद्वार के रूप में आया। सामने कहा है, जैसे आप नो टेक्नोलॉजी आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
फॉरेस्ट नेचुरल टेक्नोलॉजी, इसे नए नए जो तकनीकी आए हैं, जितने तकनीकी आप सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरे विषय में आपके साथ बताना चाहता हूँ, यू मस्ट बी इनोवेटिव, मोस्ट इनोवेटिव होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। नवाचार से ही जो है आपको शो कर जाएंगे, इनोवेटिव होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। और तीसरा जो है शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, फील्ड में जो है आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तब तक आप नए टेक्नोलॉजी भाग नहीं करेंगे तो नौ मिलना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से, और मुझे खुशी भी है, हमारा विश्वविद्यालय नया उद्योगी बहुत तकनीक में नवाचार में आगे बढ़ रही है, उसके लिए विश्वविद्यालय को मैं आभार दिखाना चाहता हूँ। हर फील्ड में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में ऐसे आगे बढ़े। मैंने पढ़ा था, अभी ज्यादा मैं नहीं बता होगा, लेकिन मुझे खुशी है खेल में और कबड्डी में खड़ा लेने की आप लोग बहुत अच्छे इंटरनेशनल में पास आए। उनको भी मैं आगे जाना और साइंस में भाषा में भी आप लोगों ने जो आगे बढ़ाया उसके लिए भी मैं अभिनंदन करना था। साहित्य में भी आप काफी आगे बढ़ा, तो इसलिए विश्वविद्यालय के और बहुत अच्छी बात है। हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनको भी इस बीच में हमारे दिल्ली में भारत सरकार द्वारा हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रणपाल सिंह जी को कर्नल कमांडर की मानव पुरस्कार मिला है, मानव पुरस्कार मिला। और उनको भी जो है मैं शुभकामना देता हूँ और विश्वविद्यालय को भी शुभकामना देता हूँ। अंत में मैं कह रहा हूं कि आपको नॉलेज, नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज नॉट पावर। पैसे के लिए मत ढूंढिए, पैसे के लिए जो ढूंढने वाला रहता है वो कभी ऊपर नहीं आता। मेरा जीवन में मैं देखा, पैसे के लिए जाएंगे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति करेंगे आपको सारा मिले। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, नॉलेज इज पावर, मनी इज नॉट पावर। आपका सबसे ज्यादा महत्व है। आज भारत सरकार ने भी 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है, नई शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन किया है। नई शिक्षा नीति में आज जो विषय लागू है उसमें सबसे ज्यादा महत्व है साइंटिफिक कैंपा, एजुकेशन एंड साइंटिफिक कैंपा। एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज, एजुकेशन विद एंटरप्रेन्योरशिप, इसे नए नए जो है विषय को आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है अपना विश्वविद्यालय भी ये नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में अच्छे से कर रहा है, उसके लिए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति आगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं कहूंगा सबसे ज्यादा महत्व है शिक्षा में चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत सशक्त, कैरेक्टर बिल्डिंग में हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है। तो इसलिए शिक्षा का गुरु जो है सूर्य गांधी जी बता है,
विवेकानंद जी कहा था, हमें में लड़ाई लिखना साफ फिल्म हो नहीं थी, ये आत्मविश्वास रखिए, वो आत्मविश्वास से आगे बढ़िए। इसलिए आप चरित्र निर्माण करना, जितना आपका चरित्र अच्छा रहेगा उतना आपको समाज में जो है गौरव मिले, समाज में आपकी उन्नति बढ़े। इंग्लिश में एक भाव है, एक आव है, इफ नथिंग इज लास्ट, पैसा चलेगा कुछ भी नहीं होगा, पैसा कमा सकते हैं। इफ एवरीथिंग इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, अगर स्वास्थ्य बढ़ेगा थोड़ा मुश्किल है फिर जो है उसको प्राप्त करना। इफ चैलेंज इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट, इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है, हर विद्यार्थी जो है इसको ध्यान में रखना है। और हम जीवन में हमारा क्या कर्तव्य, समाज की सेवा करना है, आजूबाजुओं की सेवा करना है, अनपढ़ों की सेवा करना है, गरीब की सेवा करना चाहिए। वैसे हम लोग समाज में भागीदारी करना चाहिए, इसलिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी 25 विकसित भारत बनाने का और विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है। आप लोग भी इसमें भागीदारी बना सकते, विकसित भारत भारत को दुनिया में सुपर पावर बना सके, मुझे विश्वास है हमारे लोग जो है बहुत जीनियस है, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, भारत के युवा पीढ़ी बहुत अच्छा है। इस बीच में एक सर्वे दिया गया, उस सर्वे में बताया गया 2030 में 3 करोड़ जॉब आने वाले, मुझे विश्वास है हमारे भारतीय लोग अच्छे जो है तकनीक के रहेंगे, 3 करोड़ में से 2 करोड़ भारतवासी जो है वो नौकरी नौकरी पाते, इतना हमारे लोग मिलते हैं, अभी भी सारा विश्व में हमारे लोग पहले हुए, तो इसलिए हम विश्व में और आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप आगे ध्यान में रखिए, लेकिन जाइए ऑस्ट्रेलिया जाइए, कनाडा जाइए, अमेरिका जाइए, इधर भी जाइए, लेकिन भारत को मत बोलिए और अपना स्थलों से भी मत बोलिए, दो बात है। आप जाइए पैसे कमाइए माता पिता को दे दीजिए, इसमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपके माता पिता को, आपके गांव को, आपके नरेंद्र सिंह विश्वविद्यालय को जीवन में कभी भी भूलना ना चाहिए। जैसे आप सूर्य गांधी बैठे सुप्रीम कोर्ट जेल बने हुए, लेकिन वो मुझे बताया फ्रेंड ने मैं जिंदगी रहने वाला आदमी, मैं जिंदगी रहने वाला आदमी, उन्होंने मुझे बताया फ्रेंड ने फ्रेंड ने मुझे लास्ट टाइम मिले थे पता है, ये जो है भावना है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ के लोगों के लिए यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी के लिए सेवा करने के लिए तैयार, ये बात आप मन में ध्यान रखें। तो हम बात में एक ही छोटा सा श्लोक सुनाकर समाप्त करूंगा, वो श्लोक है रामायण का है। रामायण में राम जी जो है अंगा पर विजय प्राप्त करते हैं, अंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके भाई जो है लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी उन्होंने राम जी से कह रहे थे, राम जी लंका जो है बहुत ही सुंदर है, ये सोना है एवरीवेयर सोना सोना है, तो इसलिए लंका हम नहीं छोड़ना चाहिए, हम लंका नहीं रहना चाहिए, लंका इतना सुंदर है इसलिए लंका नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन राम जी ने कहा, राम जी ने कहा संस्कृति
Professor Sinha to seek permission from all